हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑटो गेयर। आज हम आपको एक ऐसी बाइक इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जो एक कम्यूटर सेगमेंट के लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है। एंड बजाज ने इसको अभी न्यूली लॉन्च किया है एंड अभी एट द मोमेंट मार्केट में आपको अवेलेबल नहीं है शोरूम में, बट हम आपको इसको थोड़ा सा आपका इसका ओवरव्यू बताने वाले हैं। एंड उस बाइक का नाम है हमें बजाज 110 सिटी है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि आगे इसका क्या परफॉर्मेंस होने वाला है, हमें इसको बाय करना चाहिए या नहीं बाय करना चाहिए। तो अभी थोड़ा सा हम ओवरव्यू आपको दे देते हैं इस वीडियो में। एंड बाकी जब ये बाइक फुली लॉन्च हो जाएगा तो हम इसको शोरूम में जाके इसका कंप्लीट रिव्यू डिटेल अलॉन्ग विथ माइलेज हम इसका टेस्ट करके आपको हमारे चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएगा। सो पहले इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के ऊपर हम लोग देखते हैं तो इसका इंजन हमें मिलता है 115.45 सीसी का और इसका पावर है 8.4 एचपीएस एंड टॉर्क इसका जनरेट होता है 9.81 न्यूटन मीटर। सो ये वही इंजन है जो बजाज सिटी 110 में यूज़ हुआ है, तो हमें कुछ भी इंजन में डिफरेंसेस नहीं मिलने वाले हैं। एंड इस बाइक की एक खास बात है, इसमें इसको थोड़ा सा एक ओल्ड लुक दिया गया है जो पहले हमें बजाज बॉक्सर में आया करता था। एंड सेम अपलिफ्ट हुआ है, थोड़ा सा बॉडी इसका फेंडर एंड बैक अपना फ्रंट फेंडर थोड़ा सा लिफ्ट किया गया है, बैक फेंडर भी थोड़ा सा लिफ्ट किया गया है। ये देखते हैं आगे इसका थोड़ा क्या फीचर्स होने वाला है। एंड इंजन ये आपको BS6 कॉम्प्लाइंट इंजन मिलने वाला है एंड ये फ्यूल इंजेक्टेड नहीं है, इसमें आपको BS6 का इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा जो काफ़ी अच्छा है इस सेगमेंट में। एंड विद इन ऑन रोड्स आपको अगर करना है तो कोई भी स्पीड ब्रेकर आप इजीली पास ऑन कर सकते हो। तो आगे चलते हैं इसके ब्रेकिंग सेगमेंट में एंड देखते हैं इसका ब्रेक्स। हमको फ्रंट में आपको डिस्क देखने नहीं मिलेगा एंड बैक में भी आपको डिस्क देखने नहीं मिलेगा, दोनों ही ब्रेक्स आपको इसमें ड्रम ब्रेक मिलने वाले हैं। एंड इसको इस ब्रेक का एप्लीकेशन आपको मिलेगा एक कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ इसको आपको मिलेगा। एंड आगे इसका देखते हैं इसका टायर सेगमेंट इस समय थोड़ा सा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि फर्स्ट टाइम बजाज सिटी 100X में जो आपको मिलने वाला टायर्स है वो MRF की तरफ से, एंड दोनों ही टायर्स आपको 17-inch अलॉय व्हील के ऊपर आपको माउंट हुआ मिलेगा। आते हैं इसके फ्रंट सेगमेंट में, तो फ्रंट सेगमेंट में आपको देखने मिलेगा इसमें एक बजाज का LED DRLs रन होने वाला है फ्रंट में। एंड उसके नीचे आपको जो पायलट हेडलैम्प मिलने वाला है वो हैलोजन में मिलने वाला है। एंड इसमें आपको कोई भी सेगमेंट अदर देन एक छोटा सा DRL आपको अबव हेडलैम्प जो मिलने वाला है वही सिर्फ LED में, एंड बाकी पूरी बाइक में जो यूज़ हुआ है बल्ब एंड हैलोजन लाइट्स ही यूज़ हुआ है। तो आपको जो भी सिग्नल टर्न्स लेफ्ट एंड राइट में मिलने वाले वो सब बल्ब इंडिकेटर्स है। आते हैं इसके सस्पेंशंस पे, तो फ्रंट में आपको इसका टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है एंड रेयर में आपको मिलने वाला है इसका हाइड्रोलिक सस्पेंशन जो एक काफ़ी बेसिक वेरियंट है। एंड फ्रंट टेलीस्कोपिक होने की वजह से थोड़ा सा आपका इसका राइड एक्सपीरियंस आपका अच्छा होने वाला है। आते हैं इसके टैंक कैपेसिटी में, एंड इसका टैंक कैपेसिटी आपका 10.5 लीटर्स होने वाला है। बजाज का मानना है कि आपको 75-80 किलोमीटर्स पर लीटर का आपको माइलेज मिलने वाला है। सो आपको लॉन्ग रन में अगर आपको यूज़ करना है तो एक बार आप फुल टैंक करेंगे तो अप्रॉक्स मिनिमम समझ सकते हैं कि अगर सिटी राइड में करना है तो 700 किलोमीटर्स का आपको फ्यूल टैंक का एक माइलेज मिलने वाला है। इसके कुछ प्लस पॉइंट्स पे, तो फर्स्ट प्लस पॉइंट में बात करना चाहूँगा तो अगर आप रेयर में जाएंगे तो आपको एक बाइक के ऊपर आपको एक कैरियर जैसा चीज़ मिलेगा जो आप उसके ऊपर लगेज थोड़ा सा कैरी कर सकते हैं। एंड कंप्यूटर सेगमेंट में अगर एक आप देखा जाए कि जो पब्लिक जिस तरह का जॉब करती है, मे बी जोमेटो स्विगी या अमेजोन जैसा जो पार्सल कैरी करते हैं अपने बैग में, तो उसके लिए इनको काफ़ी अच्छा हेल्प होने वाला है। जो मैं इसका कैपेसिटी मिनिमम 7 kg होने वाला है एंड वो चीज़ ये लोग लगेज कैरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इसका बेस्ट पॉइंट मुझे लगा जो कि लेफ्ट हैंड साइड में हुआ करता था, सैरी गार्ड के साथ आपको एक एडिशनल फुटरेस्ट मिला करता था, तो इस बाइक में आपको दोनों साइड में आपको मिलने वाला है फुटरेस्ट, तो लेफ्ट एंड राइट में दोनों ही तरफ आपको फुटरेस्ट मिलने वाला है। तो थर्ड एक प्लस पॉइंट है कि आपको इस बाइक से जो माइलेज मिलने वाला है काफ़ी अच्छा है कंसिडरिंग द प्राइस। अभी पेट्रोल का जो मार्केट में 95-100 के बीच में विद इन इंडिया चल रहा है, तो अगर आपको 75-80 का माइलेज देने वाली तो ये कम्यूटर सेगमेंट के लिए काफ़ी बेस्ट बाइक होने वाला है। आते इसके कुछ नेगेटिव सेगमेंट के ऊपर, नेगेटिव नहीं बोल सकते, थोड़ा सा एक इम्प्रूवमेंट परस्पेक्टिव में थोड़ा सा कुछ और बेहतर हो सकता था। इनका जो डिजिटल कंसोल होना चाहिए था वो जो इस समय है नहीं। इनका कंप्लीट मीटर जो इस बाइक का है जो फुली एनालॉग है, जो स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर है एंड जो इसको फ्यूल गेज वगैरह वो कंप्लीट आपको इस बाइक में आपको एनालॉग सेगमेंट में ही मिलने वाला है। सेकेंड चीज़ एक अच्छा हो सकता है जो एक बाइक का जो डिज़ाइन इसको प्रोवाइड किया है, जैसे ओल्ड डिज़ाइन है
अगर इसको न्यू सेगमेंट के हिसाब से अगर आप लॉन्च कर रहे हो एंड इसका अगर आपको स्केलेबिलिटी बढ़ाना है कि इसको एक नॉर्मल बंदा जो ये पिकअप एंड डिलीवरी वाला जो काम नहीं कर रहा हो एंड वो अगर एक यंगस्टर को अगर जाना है, जैसे कि अगर मैं इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर सोचूँ तो इसका होने वाला है पैशन प्रो, जिसकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है एंड उसके जो डिजिटल कंसोल भी कुछ उसके फीचर्स है उसमें, एंड थोड़ा सा जो उसका डिज़ाइन है जो अभी तक के लिए जो भी अगर फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाना चाहता है बाइक के लिए तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। सो दैट्स इट फ्रॉम, ये था हमारा छोटा सा ओवरव्यू। हम आपको कंप्लीट इसका आपका ओवरव्यू विथ वॉक अराउंड कंप्लीट आपका बाइक देंगे जब ये बाइक्स हमारे नियरेस्ट शोरूम में अवेलेबल हो जाएगा एंड आपको हमारे इस चैनल में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ये ओवरव्यू आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपको क्या प्लस पॉइंट अच्छा लगा इस बाइक के रिलेटेड वो भी आप मेंशन कर सकते हो। एंड अगर आपको हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।